हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपरिंटेंडेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से रिलीज हुई है। इसमें एनी मास्टर्स मतलब किसी भी विषय से पोस्ट ग्रेजुएट अगर आप हैं, फ्रेशर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट भी अगर एलिजिबल इंटरेस्टेड हैं तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल प्योरली परमानेंट पोस्ट्स रहेंगे और सैलरी 50,000 के अराउंड आप इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एनी मास्टर एलिजिबल, किसी भी विषय से स्नातकोत्तर पीजी या मास्टर डिग्री आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। बाकी एज क्राइटेरिया वगैरह चेक करनी होगी। तो फिलहाल स्क्रीन पर हम डिटेल्स चेक करेंगे सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट की। क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी में आएगा और पे बैंड है 9,300 टू 34,800 की पे स्केल रहेगी, जो कि ग्रेड पे 4,200। और इसमें अपर एज लिमिट है 30 इयर्स। जब भी अपर एज लिमिट बोली जाती है मतलब ये जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी अपर एज लिमिट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो एज में रिलैक्सेशन कैटेगरी कैंडिडेट्स को मिलती है वो यहाँ पर भी मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर चेक करना चाहें तो मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो 50% मार्क्स या फिर उसके इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ आपने किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे आर्ट्स है, आर्ट्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स साइंस बैकग्राउंड से है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक डांस कुछ भी, अगर मास्टर डिग्री है 50% या उससे ज्यादा अंकों के साथ में या इक्विवेलेंट ग्रेड के साथ में आपने पास किया, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इवन ग्रेजुएट अगर आप हैं और मास्टर डिग्री नहीं है या आप अभी फाइनल ईयर में है वगैरह तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑल्सो एलिजिबल। तो किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन भी की हुई है लेकिन फर्स्ट क्लास मार्क्स हैं मतलब 60% या अबव या इक्विवेलेंट ग्रेड तो ग्रेजुएट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब पहले समझते हैं कि नोटिस कहाँ से रिलीज की गई है। एक्चुअली ये नोटिस रिलीज की गई है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत गुजरात में है ये। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट और भी कई सारे आए हुए, सिर्फ यही नहीं है। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, इसमें और भी पोस्ट है लाइब्रेरियन के लिए, और ये सारे मैंने पहले भी अलग से भी वीडियो बनाए, इंजीनियर्स के लिए भी है, स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स के लिए, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट की भी एक पोस्ट है, 15 पोस्ट है इसमें एनी ग्रेजुएट एलिजिबल। ये वाली जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, सीनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट की 17 पोस्ट है, ये भी बहुत सारी। तो इसके अलावा और भी पोस्ट है लेकिन जो सिर्फ मास्टर डिग्री के हिसाब से सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए देख रहे हैं वो भी इसको चेक कर सकते हैं। इसमें अगर लास्ट डेट देखें तो व्यू नोटिफिकेशन है यहाँ पर, एडवर्टीजमेंट सेपरेटली दी हुई है हर पोस्ट के लिए, और अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो एप्लीकेशन यहाँ से हो जाएगी। बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है, 17 अक्टूबर को ये आई हुई है एडवर्टीजमेंट, और लास्ट डेट अगर चेक करना चाहें तो देख सकते हैं 17 अक्टूबर की। मैंने सुपरिंटेंडेंट वाली जो पीडीएफ है वो ओपन की हुई है, ऐसे हर पोस्ट के लिए अलग अलग पीडीएफ ओपन करनी है। तो टोटल 6 पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट के लिए और गुजरात में है ये। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 2 दिसंबर 2022। इसके बाद फिर रिसिप्ट ऑफ मतलब ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करनी है तो 2 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन और 12 दिसंबर तक ऑफलाइन मोड में आपकी एप्लीकेशन दिए गए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के अलावा और भी जितने पोस्ट है वो सब भी आप चेक कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट, अगर परमानेंट पोस्ट ऑफर कर रहे हैं तो ये आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तरह होती है। अगर फीस वगैरह चेक करनी है तो ये सारी एडवर्टीजमेंट या और भी बहुत सारे पोस्ट हैं वो आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। फी की डिटेल, इसके लिए मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है पहले भी, बट उसमें सारे पोस्ट कवर किए थे, ये खास मैंने पोस्ट ग्रेजुएट वाले जॉब हाईलाइट किए इसमें इस वीडियो में। एप्लीकेशन फी पेज नंबर 5 पे दी हुई है। SC ST PWD एक सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी एंड तो इतने कैंडिडेट तो एग्जेम्प्ट ही हैं, मतलब उनको एप्लीकेशन फी नहीं देनी है प्रोसेसिंग फी। एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, एक सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स। तो फी किनके लिए रहेगी? मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि जनरल कैटेगरी के होंगे या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए 500 रुपीज फी होगी और ये फी नॉन रिफंडेबल होती है। इसलिए पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को आराम से बैठ के पढ़ लें। मास्टर डिग्री के लिए अच्छी जॉब है होल्डर्स के लिए, और इसके अलावा भी और वैकेंसीज हैं, आप देखना चाहें तो लाइब्रेरियन, साइंटिफिक ऑफिसर,
टेक्निकल ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये सारे पोस्ट होंगे जिनमें कि हो सकता है क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस मांगी गई हो। सुपरिंटेंडेंट में फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, और टेक्निकल असिस्टेंट फार्मासिस्ट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ये सारी पोस्ट तो और भी हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज भी हैं। ऑफिस अटेंडेंट में 17 पोस्ट है, फ्रेशर एप्लीकेशन कर सकते हैं आई थिंक। जूनियर असिस्टेंट में 15 पोस्ट है, फ्रेशर ग्रेजुएट एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स के लिए मैं होम पेज आपको दे देती हूँ लिंक, आप उससे इस एडवर्टीजमेंट तक पहुँच सकेंगे करियर्स में जाके। तो होम पेज की जो वेबसाइट लिंक है वो आप मेरे से यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी। अदरवाइज आप विकीपीडिया से भी ले सकते हैं, विकीपीडिया में जो लिंक होती है वो भी ऑथेंटिक होती है मोस्टली।